वेलकम टू माही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए धान की प्रजातियां किस्म। पहला है माही सुगंधा। माही सुगंधा को कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें क्या है, माही नदी है तो माही नदी के पास क्या होता है, धान ज्यादा होता है। अब तो इसको दिमाग में बैठाएं कि माही सुगंधा किसकी प्रजाति है, धान की प्रजाति है। पूसा 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 सब में पूसा आएगा, लेकिन पूसा भी गेहूँ भी होता है, अतः इसको याद करिएगा अच्छी तरह। पूसा RH10, पूसा सुगंधा 5, पूसा 33 क्या है, धान की प्रजातियां हैं, इसको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। क्योंकि पूसा कुछ कुछ पूसा में जो होता है गेहूँ भी आता है, तो पूसा RH10 जो है धान का है, पूसा सुगंधा 5 धान का है, पूसा 33 धान का है। पद्मा क्या है, पद्मा इसको दिमाग में बैठाइए कि पद्मा जो नदी है उसके आसपास जो है धान की खेती ज्यादा होती है, और तो किसकी प्रजाति है, धान की प्रजाति है। क्योंकि पद्मा हुआ, माही हुआ, कृष्णा हुआ, कावेरी हुआ, ये सब नदियों के नाम हैं, उनके हिसाब से बैठाना कि कावेरी नदी है इसके पास क्या होता है, धान ज्यादा होता है। कृष्णा नदी है, अच्छा कृष्णा नदी के पास क्या होता है, धान ज्यादा होता है। तो इसको दिमाग में बैठाइएगा कि धान की कौन सी प्रजातियाँ हैं, क्या क्या है, पद्मा छठवा है, कृष्णा पांचवा है, कावेरी आठवा है, करुणा क्या है, करुणा। उसके बाद आता है बाला, बाला बाला बाली बाला अन्यपूर्ण बाला रत्ना 9 नंबर 10 नंबर 11 रत्ना 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 क्या धान होता है। गोविंद क्या है, गोविंद 12 नंबर गोविंद। 13 है सूरज, देखिए धान खेती है और सूरज की आवश्यकता होगी, सूरज वारिणी दीप जया हंसा जामुनी दामिनी ये सब धान की प्रजातियां हैं। धान की प्रजातियां बहुत होती हैं, इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है, जब पेपर में यही सब आती रहती हैं। तो धान की प्रजातियां से, गेहूं की प्रजातियां से और अरहर की प्रजातियों से, इनसे एक क्वेश्चन पक्का रहता है, वैसे फलों में एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो प्रजातियों से दो क्वेश्चन यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे आपको, तो इसको दिमाग में बैठाइएगा। क्योंकि माही नदी है, पद्मा नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, उसके आसपास धान क्या होता है, ज्यादा होता है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। लेकिन अब कहेगा गंगा, क्या कहेगा, गंगा, तो गंगा को आप ये नहीं कर सकते कि धान की वहां ज्यादा होता है, गंगा में, गंगा के आसपास, क्योंकि गंगा जो है ये गेहूं की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, गेहूं की, अतः इसको इसको दिमाग में बैठाएंगे कि गंगा जो है, अतः गंगा जो है उसके आसपास यूपी में पड़ती है, यूपी में क्या होता है, गेहूं ज्यादा होता है, तो कर सकते हैं क्या, गंगा जो है गेहूं की प्रजाति है, इसको ऐसे दिमाग बैठाएंगे। ऐसे सिंधु है तो इस हिसाब से बैठाएंगे। देखिए अगला है गेहूं की प्रजातियां, गेहूं की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। पहला है सोनारा चौंसठ, क्या है, सोनारा चौंसठ, तो जो गेहूं होता है कैसा, सोना जैसा चमकता, कैसा, सोना जैसा, तो सोनारा चौंसठ किसका है, गेहूं का प्रजाति है। लामी रोजा दूसरा है, लामी रोजा, तो रोजा भी क्या खाता है, गेहूं खाता है, तो लामी रोजा क्या है, गेहूं की प्रजाति, इसको दिमाग में बैठाइएगा तब पर ही याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा रटते रहिएगा भूल जाएगा। राजा 3077 राजा क्या है, 3077 जो है गेहूं की प्रजाति है, इसको दिमाग में चलाते रहिएगा, कम से कम 2-3 बार पढ़ेगा तभी याद होगा। ये पूसा सिंधु क्या है, पूसा सिंधु सिंधु नदी है, और गंगा जो कावेरी थी, कृष्णा थी, ये सब गोदावरी थी, वो सब आए तो धान मारेंगे क्योंकि धान उधर ज्यादा होता है, लेकिन सिंधु नदी है और जो गंगा नदी है इसके आसपास क्या होता है, गेहूं, गेहूं ज्यादा होता है, क्या होता है, गेहूं, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में ज्यादातर गेहूं ही होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, बालू मिट्टी है, उसमें क्या गेहूं आसानी से उग जाता है, अतः सिंधु जो है गेहूं की प्रजाति है। गंगा जो है यूपी से होकर जाती है, यूपी में भाई गेहूं तो खूब होता है, यूपी जो गेहूं की, गंगा जो है गेहूं की प्रजाति है। इस तरह का यूपी 308 यूपी 308 तो यूपी में क्या अधिक होता है, गेहूं, तो किसकी प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। कल्याण सोना, तो सोना जैसे क्या चमकता है, गेहूं चमकता है, तो कल्याण सोना गेहूं की प्रजाति है। इस तरह अर्जुन, अर्जुन थे सोना, गेहूं की प्रजाति है। कुंदन गेहूं की प्रजाति है। पूसा बेकर, तो गेहूँ क्या बनता है, भूसा, भूसा क्या होता है, बेकार होता है, कभी कभी बेकार देते हैं उससे भूसा, क्या कहते हैं, बेकार देते हैं, तो गेहूँ की प्रजाति क्या है, पूसा बेकार है। लेकिन पूसा अभी सिंधु पूसा क्या था,
पूसा सुगंधा आया था, पूसा अरिस्टेन आया था, ये सब धान की प्रजातियां थी। किसकी? धान की प्रजातियां थी। मगर रहेगा पूसा बेकर, तो ये गेहूं की प्रजाति है, इसको याद करिएगा, बहुत ही कॉन्टेंट है सब। H1500 गेहूं की प्रजाति। किसकी? गेहूं की प्रजाति है। अच्छा गेहूं की प्रजातियां हैं, ये इतना ही कॉन्टेंट है, ज्यादा पेपरों में इनसे देखने को मिलेगा। देखिए जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, क्योंकि गेहूं की प्रजातियां, धान की प्रजातियां, अरहर की प्रजातियां, आंवला की प्रजातियां, आम की प्रजातियां, इनसे क्वेश्चन बनता ही है, हमेशा बना है, और कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। सोचिएगा जल्दी से, इसे नोट करिए, अगर आप बताते हैं अभी। देखिए अगला है अरहर की प्रजातियां। क्या है? अरहर की प्रजातियां। पहला है मालवी चमत्कार। क्या है? मालवी चमत्कार है, और तो हम कर सकते हैं, जो दाल खाता है अरहर की, क्या आता है? मालवी होता है, ज्यादातर दाल खाते हैं मालवी लोग, और मर हो जाते हैं दाल खाने के बाद, आजाद हो जाते हैं मालवी बिहार, और पारस लोग भी क्या खाते हैं? अरहर की दाल खाते हैं। इसको याद करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, ऐसे याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। और ये बहार बिहार, और UPS 120 मतलब कि UPI, क्या बोलते हैं, IAS, IAS लोग क्या खाते हैं? अरहर की दाल खाते हैं, और तक कर सकते हैं। अरहर की प्रजातियाँ कौन कौन सी है? मालवी चमत्कार, दूसरा है बहार, तीसरा है अमर, चौथा है आजाद, पांचवा है मालवी बिहार, छठवा है पारस, और सातवा है UPS 120। तो अरहर की प्रजातियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, बनेगा बनेगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, फलों की प्रजातियां, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे तो हमेशा क्वेश्चन बना है, बनेगा। क्या है? आंवला का हुआ, आम का हुआ, बैगन का हुआ, सोयाबीन का हुआ, कपास का हुआ, खरबूज का हुआ, इनसे भी क्वेश्चन बना है। अगली बार देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिएगा, हमेशा हमेशा दो दो क्वेश्चन बना है, 5-6 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे होंगे उसे देखिएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन बने इनसे, हमेशा ईपी लेखपाल में कम से कम 2 क्वेश्चन, और आएंगे तो आएंगे। देखिए यही 2 क्वेश्चन आपको लाखों लड़कों से ऊपर कर देगा, 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, और लाइक करिए सेशन को। जय हिंद।